Shivangi, welcome to my channel. So finally I am back with one of the most requested videos, and guess what? It's a canvas painting tutorial. So yes guys, finally maine decide kiya, bahut time ho chuka hai canvas painting tutorial ko jana chahiye. So last time jab maine kiya tha, it was of Radha Krishna and you guys loved it so much. Thank you so much. So इसीलिए आज मैं वापस से कृष्ण जी का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाऊंगी, बट इस बार मैं उनके बाल रूप को रिप्रेजेंट करूंगी पेंटिंग में. आई होप यू ऑल विल लव इट. सुपर एक्साइटेड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, अ लॉट ऑफ यू आस्क मी अबाउट माई कैनवस बोर्ड्स. सो दिस इज द कैनवस बोर्ड विच कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 70 rupees. एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं. सो नाउ आई क्विकली ओपन द पैकेजिंग ऑफ दिस कैनवस बोर्ड एंड देन वी कैन स्टार्ट विद आवर पेंटिंग. ऑल्सो आई फाइंड दिस प्रोसेस वेरी सैटिस्फाइंग. एंड वंस दैट इज डन, आई क्विकली स्टार्ट विद द बेसिक स्केच. जो भी चीज़ मुझे बनानी है मैं सबसे पहले उसका एक रफ स्केच बनाऊंगी. बेसिकली रेफरेंस के लिए बहुत सही रहता है. So once that is completed, then I'll start painting. So firstly, I have decided to paint the skin color. So iske liye I'm using white, red, yellow, black. And is color ko main apply karungi Krishan ji ke skin area mein. Because Krishan ji ka complexion thoda dark tha, isliye maine ye color thoda darker side pe banaya hai. And मैं इसी कलर में थोड़ा वाइट कलर को ऐड करके यशोदा माँ पे अप्लाई करूँगी. सो येस, आई हैव शोड यू हाउ ईजी इट इज़ टू मेक योर ओन स्किन कलर. सो वंस दैट इज़ कम्प्लीटेड, नाउ आई प्रोसीड विद द क्लोथ्स. एंड क्लोथ्स के कलर के लिए आई हैव डिसाइडेड टू यूज़ मैजेंटा, रेड एंड वाइट कलर. मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स करूँगी एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग इट. एंड मैं इसी के ही टेंस एंड टोन्स को यूज़ करके कलर करूँगी क्लोथ्स पे. सो आई विल क्विकली कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट. सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड द प्रोसेस, द टेक्निक विच आई एम फॉलोइंग ओवर हियर इज़ वेरी सिंपल. मैं यहाँ पे बेसिकली कलर्स को फ्लैट वे में अप्लाई कर रही हूँ. आई एम नॉट शेडिंग एनीवेयर. सो येट्स इल बी वेरी ईजियर फॉर यू गाइज हु आर बिगिनर्स टू रिक्रिएट दिस पेंटिंग. दुपट्टे के लिए आई यूज ग्रीन कलर ओवर योर. बालों के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ किया है. सो येस, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. मोस्टली मैंने अभी सारे एलिमेंट्स को कवर कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग बैक टू द बैकग्राउंड. फॉर बैकग्राउंड आई हैव डिसाइडेड टू यूज़ डार्क शेड्स सो दैट हमारे मेन एलिमेंट्स हैं वो और उभर के आए. And by covering all the elements over here, we have finally completed our first stage successfully. Yes! Then we can proceed with the second step. जिसमें I will concentrate on light and shadow. यहाँ पे मैंने जो भी पहले कलर्स अप्लाई करे थे उसके डार्कर शेड्स को यूज़ करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है. इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज एक्रेलिक पेंट्स में यू कैन नेवर गो रॉन्ग. अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं गलत जा रहे हो, यू कैन गो बैक, यू कैन पेंट अगेन ऑन दैट पर्टिक्युलर पैच. सो सिमिलरली आई कलर द अदर एलिमेंट्स एज वेल. सो मैं इसको एक ब्लैक एक्रेलिक पेंट से आउटलाइन कर दूंगी सो दैट इट्स ईजियर. एंड पैरेलली आई हैव डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को अच्छे से डिफाइन करूँ, थोड़ी डिटेल्स ऐड करूँ बिकॉज इट विल लुक वेरी प्रिटी. सो येस, एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट द रेगुलर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग विच यू हैव सीन, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट. मैंने इस पर अपना टच ऐड किया है. काफ़ी एलिमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट है बट पैरेलली लाइक आई हैव ट्राइड टू ऐड फ्यू डिटेल्स सो दैट इट लुक्स मोर ब्यूटिफुल. एंड इस डिटेलिंग के लिए आई हैव यूज्ड येलो एंड वाइट एक्रेलिक पेंट. आई फील इट्स वेरी ईजी बिकॉज इसमें मैं बेसिक एलिमेंट्स का ही यूज़ कर रही हूँ. एंड एज यू कैन सी आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द बैकग्राउंड बिकॉज आई एम नॉट सैटिस्फाइड बट नाउ इट लुक्स क्वाइट गुड. एंड आई विल फिनिश द पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ वाइट हाइलाइट्स. एंड येस, जो भी मुझे चीज़ें थोड़ी और ऐड करने की लग रही है एलिमेंट्स में, आई एम डूइंग दैट
एज आई मैंशनड अर्लियर एज वेल, एक्रेलिक पेंट्स में हम कभी भी कुछ भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस मीडियम. सो आई एम यूटिलाइजिंग दैट पॉइंट योर एंड नाउ आई थॉट ऑफ एडिंग फ्यू मोर एलिमेंट्स यूजिंग द सेम टेक्निक. सो येस, दिस लुक्स रियली प्रिटी एंड डिटेल्ड एट द सेम टाइम. आई एम रियली हैप्पी विद द आउटकम. So yes, finally I have completed my second abstract painting of Krishna. If you like it too guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel. It really means a lot to me. Thank you so much.